मिसाइल गुड़ियाल, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूपी की राजनीति को गर्म करते हुए कहा कि राम मंदिर तो अयोध्या में ही बनेगा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से पूछा कि मुझे बताए कि अगर राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा में अपने पैतृक गांव सैफई में वोट डाला। वहीं वोट डालने के बाद अखिलेश ने कहा कि सपा आने वाले समय में आगे बढ़े, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। चर्चित भोजपुरी अभिनेता रवि किशन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में हुए शामिल। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि वो राजनीति में गरीबों के हित में काम करने और देश के विकास के लिए आए हैं। यूपी में तीसरे चरण के मतदान के चलते जसवंत नगर विधानसभा में सपा और बीजेपी समर्थकों के बीच हुई पत्थरबाजी। साथ ही इस मौके पर पहुंचे शिवपाल यादव के काफिले पर भी हुआ पथराव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की पार्टी को चंदे के तौर पर दिए 50,000 रुपए। बता दें कि इरोम मणिपुर से चुनाव लड़ रही हैं और उनकी पार्टी पीपुलर रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस के पास धन की कमी है। हरियाणा में जाट आंदोलनकारियों ने मनाया बलिदान दिवस। वहीं इस बलिदान दिवस को देखते हुए धरना स्थलों और आसपास के क्षेत्रों में माहौल गर्मा गया है, जिसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने शहरों में तैनात किया पुलिस और अर्धसैनिक बल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि के मामले में 21 मार्च को न्यायालय की कार्यवाही का सामना करना होगा। बता दें कि दिल्ली जिला क्रिकेट संगठन के पूर्व क्रिकेट चेतन चौहान ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी, जिसे लेकर ये कार्रवाई होगी। डिजिटल इंडिया की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाया कदम। बता दें कि बैंक ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए डेबिट कार्ड से लेन देन सस्ता करने का किया फैसला। वहीं बैंक ने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो ये नई दरें 1 अप्रैल 2017 से होगी लागू। गोवा के उत्तर पूर्व के वालपोई शहर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाने को लेकर बड़ा तनाव। बता दें कि कथित तौर पर शिवाजी की प्रतिमा लगाने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। नौसेना में शामिल INSV तारणी में लेफ्टिनेंट कमांडर वंतिका जोशी की अगुवाई में नौसेना की महिला अधिकारियों का दल नाव के जरिए जल्द ही पूरी दुनिया का लगाएगा चक्कर। पाकिस्तान के सिद्ध सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पर हमले से जागे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किया हमला। बता दें कि एक जानकारी के मुताबिक दरगाह पर हुए हमले के तार अफगानिस्तान के आतंकवादियों से जुड़े होने का शक है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की मार्केट वैल्यू बढ़ते हुए 25% तक पहुंची। बता दें कि इस मार्केट वैल्यू से कोहली अब शाहरुख खान के बाद देश के दूसरे सबसे महंगे सेलिब्रिटी बन गए हैं। 7 बार के राष्ट्रीय चैंपियन और शीर्ष भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को ITTF वर्ल्ड टूर इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में जापान के हिरोमोतो तोमोकाजो के हाथों करना पड़ा हार का सामना। वहीं उनकी हार के साथ टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती भी हुई खत्म। अभिनेता इरफान खान की फिल्म नो बेड ऑफ रेजेस को बांग्लादेश में किया गया प्रतिबंध। बता दें कि फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फिल्मकार मुस्तफा सरवर फारूकी और इरफान ने मिलकर किया है। फिलहाल हमारे साथ बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज़। नमस्कार।